दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, लेकिन जिम्मेदारी जिनको दी गई है उन्हें सिर्फ उन कामों में ही रुचि है जिसमें उन्हें आमदनी होती है। यही कारण है कि जिम्मेदार प्रधान गौ सेवा से भागते नजर आते हैं। युगों युगों से हमारे देश में गायों को माता का दर्जा दिया गया है। देवता, ऋषि मुनि सब ने गाय को माँ माना और उनकी पूजा की। सनातन धर्म में आज भी गाय को धरती की लक्ष्मी कहा गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने आज गौ वंशों से प्राप्त गौमूत्र, गौ दूध आदि से मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी गौ वंशों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते गांव में गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। लोगों को गौ पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आवारा जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज एक अजीब नजारा जनपद जालौन के ग्राम पर्वतपुर में देखने को मिला, जब पर्वतपुर ग्राम पंचायत के गांव गडरेना के ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को हांक कर पर्वतपुर स्थित गौशाला पहुंचाया तो स्थानीय प्रधान द्वारा गौशालाओं में ताला डाल दिया गया और कहा गया कि इन गांव के लिए हमारी गौशाला में ना तो स्थान है और ना ही भोजन। अब सवाल ये उठता है कि ये एक ही ग्राम पंचायत है और गौशाला भी एक ही है, तो गांव के लिए जगह आखिर क्यों नहीं है? गड़ेरन से किसके लिए आए यहाँ पे? गड़ेरन। तो प्रधान जी ने आपसे क्या कहा इस संबंध में? प्रधान जी बोले हमने ये गाय हमारे यहाँ की नहीं है, हम इसमें नहीं बैठ पाएंगे, हमारी ग्राम पंचायत इन्हीं की ग्राम पंचायत में लगता है हमारा गांव। तो कितनी बार आप ये कार्य कर चुके हैं गाय बैठने का और ये बैठते नहीं? दो तीन बार आ चुके हैं। और आपकी गाय यहाँ बैठी नहीं जा रही है? क्या देते तुम्हारे यहाँ की है? मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भूसा की व्यवस्था कहाँ इनकी, कुछ है कुछ संबंध जानकारी? कुछ नहीं है। वैसे तो आज गोपाष्टमी पर्व है जो कि गौ माता के लिए ही मनाया जाता है और उन्हीं की ये दुर्दशा, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? इस बात को आखिर मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए कि आखिर गौशाला की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है जो मनरेगा में मजदूरों का हक मारते हैं और आवास व शौचालय में बिना सुविधा शुल्क के कुछ नहीं करते। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।